अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंटैक्स इंग्लिश क्लास 10 से पोम द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। जो हाथ झूला झुलाते हैं वही हाथ दुनिया में हुकूमत करते हैं। एक फेमस पोइट हैं, ये पोम का शाहकार है विलियम रॉस वैलिस। तो आइए इस पोम को हम पढ़ते हैं। ब्लेसिंग्स ऑन द हैंड्स ऑफ वुमेन, वुमेन जुमराते माए, माओ के हाथों पर रहमत हो। एंजल्स गार्ड इट्स स्ट्रेंथ एंड ग्रेस, जिनकी ताकत और खूबसूरती की हिफाजत फरिश्ते करते हैं। इन द पैलेस कॉटेज हॉवल, महलों कोठरियों और झोपड़ियों में। ओह नो मैटर वेयर द प्लेस, आह कोई बात नहीं कि कौन सी जगह। वुड दैट नेवर स्टॉर्म्स असेल्ड इट, काश के कभी तूफान इन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाए। रेम्बोज एवर जेंटली कर्ल्ड, कौसे कदा हमेशा शफकत से इन्हें अपने घेर में ले रखे। फॉर द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, क्योंकि जो हाथ झूला झुलाते हैं वही हाथ दुनिया में हुकूमत करते हैं। सेकेंड स्टेंजा में वो कहते हैं इन फैंसीज द टेंडर फाउंटेन, बचपना एक नाजुक सरचश्मा होता है। पावर में विद ब्यूटी फ्लो, इसमें ताकत खूबसूरती के साथ बह सकती है। मदर्स फर्स्ट टू गाइड स्ट्रीम लैंड्स, सबसे पहले माँ इस चश्मे की रहनुमाई करती है। फ्रॉम देम सोल्स अनरेस्टिंग ग्रो, इसमें से हमेशा मेहनती इंसान जन्म लेते हैं। ग्रो ऑन फॉर द गुड एंड ईवल, अच्छाई या बुराई के लिए जन्म लेते हैं। सनशाइन स्ट्रीम और ईवल हल, या तो सूरज की रोशनी फैलती है या नहुसत फैलती है। फॉर द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, क्योंकि जो हाथ झूला झुलाते हैं वही हाथ दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं। थर्ड स्टेंजा है इसमें, वुमेन हाउ डिवाइन योर मिशन, ए माँ तुम्हारा मकसद कितना पाक है। हेयर अपॉन आवर नेटल सॉल, यहाँ हमारी जन्मभूमि पर। कीप ओ द यंग हार्ट ओपन, अपनी जवा दिली खोले रखना, आह खोले रखना। ऑलवेज टू द ब्रेथ ऑफ गॉड, खुदा के हुक्म के लिए हमेशा। ऑल ट्रू ट्रॉफीज ऑफ द एजिस, जमाने के तमाम हकीकी इनामात। आर फ्रॉम मदर्स लव इम्पल्ट, माँ की मोहब्बत के मोतियों से आरास्ता है। फॉर द हैंड दैट रॉक द क्रेडल्स इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, क्योंकि जो हाथ झूला झुलाता है वही हाथ दुनिया पे हुकूमत करता है। लास्ट स्टेंजा में वो ये कहते हैं ब्लेसिंग ऑन द हैंड ऑफ वुमेन, माओ के हाथों पर रहमत नाजिल हो। फादर्स सन्स एंड डॉटर्स क्राई, वालिद बेटे और बेटियाँ दुआ कर रहे हैं। एंड द सेक्रेट सॉन्ग इज मिंगल, और मुकद्दस गीत मिल गए हैं। विद द वर्शिप इन द स्काई, आसमान पर होने वाली इबादत के साथ। मिंगल्स वेयर नो टेम्पेस्ट डार्कन्स, ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ कोई आंधी अंधेरा नहीं करती। रेम्बोज एवर मोर आर हल्ट, जहाँ कौसे कदा हमेशा हलचल मचाती रहती है। फॉर द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, क्योंकि जो हाथ झूला झुलाते हैं माँ के वही हाथ दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं। अब इसको हम समराइज कर लेते हैं इस पोम को मुख्तसर। इन दिस पोम द पोइट पेज टू द मदर होमेज, पेज होमेज टू द मदर, यानी माँ को शायर जो है वो खराज अकीदत पेश कर रहा है। प्रेज ऑल माइटी गॉड एंड सेज दैट, वो खुदा से दुआ करता है और कहता है कि He may bless the mothers no matter where they are, वो माँ को bless करें, उन पर रहमतें नाजिल करें, कहीं से भी उनका ताल्लुक हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहती हो, किसी की भी माँ हो। He may save them from all evils, और अल्लाह तमाम बुराइयों से उसको बचा के रखे, महफूज रखे तमाम माओ को। He further says that child is not wise by birth, but she teaches him lessons of wisdom and high moral in her lap. वो ये कहता है शायर के बच्चा जो है बचपने से ही
अकलमंद तो नहीं होता, वो सारी विजडम माँ की गोद में सीखता है, सारी इल्म दानाई। किड्स अनईजी एंड इम्पल्सिव नेचर इज नर्स प्रॉपरली बाय लविंग मदर। बच्चों की जो तरबियत की जाती है इम्पल्सिव वे में, नेचुरल माहौल में, एनवायरमेंट में, माँ के लविंग बिहेवियर के जरिए, और माँ उनको नर्स करती है, पालती है, पैम्पर करती है, प्यार करती है अपने बच्चों। ऑल द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज आर ड्यू टू द ट्रेनिंग ऑफ मदर्स। तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात दुनिया की जो है वो माँ की ट्रेनिंग की वजह से। मदर मेक्स दिस वर्ल्ड हेवन ऑन अर्थ। माँ दुनिया को बनाती है जन्नत जमीन पर। शी वाइप्स अवे ऑल द वरीज एंड एंग्जाइटीज फ्रॉम मैंस माइंड एंड इनकरेजेस हिम टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ विद ग्रेस एंड डिग्निटी। वो तमाम किस्म की जो वरीज है, परेशानियाँ ख़त्म कर देती है अपनी औलाद में, और उनको इनक्रेज करती है कि दुनिया के तमाम प्रॉब्लम्स को आप फेस करना सीखो, मर्दाना वार करना सीखो, उस पर डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ, अदबत के साथ। सो इन ट्रू सेंस मदर इज द पर्सन हु इज एक्चुअल रूलर ऑफ द वर्ल्ड। तो हकीकत में, ट्रू सेंस में अगर हम देखें तो मदर एक्चुअल रूलर होती है जो दुनिया को रूल करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।